नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर हो रही कवायद से हाईकोर्ट के अधिवक्ता दो खेमों में बट गए हैं। एक पक्ष में नाराजगी है तो दूसरा पक्ष खुश यहां पर दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के पक्षधर अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड हाईकोर्ट समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर हाईकोर्ट को गोलापार हल्द्वानी शिफ्ट करने की मांग की है। साथ ही साथ इस प्रपत्र में हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर भी कराए गए हैं। उधर हाईकोर्ट शिफ्ट करने का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं में राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह ने कहा है कि यूपी सरकार ने वर्ष 1998 में उत्तराखंड के अलग राज्य बनने पर हाईकोर्ट के इलाहाबाद में ही रहने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसका राज्य आंदोलनकारियों ने विरोध भी किया था। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। देखिए, हम हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और हमारे कुछ राइट्स हैं, ड्यूटीज भी हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको ड्यूटीज को भी निभाने का राइट है और हमको 19 का 21 के तहत अपना बात कर रखने का भी अधिकार। ये सेंट्रल नोटिफिकेशन ना तो आज इस टाइम हाईकोर्ट शिफ्टिंग कोई सेंट्रल नोटिफिकेशन आया है ना स्टेट नोटिफिकेशन आया है, तो बिना नोटिफिकेशन के ये, क्योंकि ये प्रिंसिपल बेंच है हाईकोर्ट की, ये प्रिंसिपल बेंच है, प्रिंसिपल बिना प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को बदले हुए कहीं भी नहीं जा सकती। कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिना प्रेसिडेंशियल नोटिस को चेंज किए हुए इसको ले जा नहीं सकती, और यही हमारा ऑब्जेक्शन है। और इसीलिए हमने आज एडवोकेट जनरल को नोटिस दिया है कि कुछ लोग जिसमें सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी है, एडिशनल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी हैं, उन्होंने कोई मीटिंग की है, वो कागज भी हमने उसमें लगाए हैं, और वो उनको कोई राइट भी नहीं है कि वो उसके ना वो ऑथोराइज है। तो ऐसे क्रिमिनल को ये जो स्कैंडलस वो उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स की वजह से इन्होंने वो स्कैंडल में इन्वॉल्व है, और इसके वजह से हमने उनको कंटेम्प्ट नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के बारे में पिछले सालों में बार बार चर्चाएं होती रही हैं, अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लगता है। अगर मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर जानना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि जो जो जगह जहाँ कि चर्चाएं चल रही हैं कि कोर्ट हल्द्वानी जा सकती है, रामनगर जा सकती है, ऐसी जगहों पर हाईकोर्ट की स्थापना इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करेगी, क्योंकि नैनीताल में इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टीज अपनी हैं। नैनीताल एक टूरिस्ट सिटी है, वहाँ पे अकोमोडेशंस एक्सपेंसिव हैं, जब नए एडवोकेट्स आते हैं या लिटिगेंट्स आते हैं तो उनके रहने के लिए उनके होटल्स की और अकोमोडेशंस की, लॉजिंग की अपनी डिफ़िकल्टीज हैं। इन सब को देखते हुए और फिर एक हाईकोर्ट एक टाउनशिप की तरह, एक हाईकोर्ट का एक नया डेवलपमेंट हो, तो एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ हाईकोर्ट हो, हाईकोर्ट के अराउंड दूसरे ऐसे ऑफिसेज हों जो रिक्वायर्ड हों, सरकारी वकीलों के ऑफिस, एडवोकेट्स के पर्सनल ऑफिस, उसकी बहुत आवश्यकता है। और फिर ये भी देखना है कि हाईकोर्ट का जिस पर प्रदेश बना था उस समय एक दूसरा आउटलुक था, पर अब जो आपको अगले 100 साल या 150 सालों के लिए प्लानिंग करनी है। देखो, मेरी अपनी व्यू तो ये है कि अगर हाईकोर्ट जाती है तो इट्स राइट टाइम कि हाईकोर्ट को अभी को शिफ्ट किया जाए, एक नए ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह से एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे लिटिगेंट को और जिसके लिए ये सारा इंस्टीट्यूशन काम करता है उसको एडवांटेज मिल सके इसकी। अधिवक्ता और भाजपा नेता नितिन कार्की ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट से शिफ्ट किए जाने के विरुद्ध उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर क्षेत्र की जनता में भी आक्रोश है और यदि ये पहल हुई तो राज्य आंदोलनकारी और क्षेत्र के वासी व्यापक आंदोलन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से तराई में स्थापित करने से पलायन और बेरोजगारी को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा विषय है कि उत्तराखंड राज्य का गठन जो है वो पर्वतीय राज्य के नाते ही हुआ था, और उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहले से ही हम लोग इन पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, और इसी के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और आज हाईकोर्ट जो नैनीताल में बन चुका है, 20 वर्ष बीत चुके हैं, करोड़ों रुपये इसमें खर्च हो चुके हैं, और अब इसको तराई में ले जाना या कहीं अन्यत्र शिफ्ट करना मुझे लगता है पैसे की बर्बादी और पलायन को बढ़ावा देना है। इससे बढ़िया होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, हम नैनीताल के आसपास रोडों पर काम करें, हम पार्किंग पर काम करें, लेकिन हाईकोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक पैसों की बर्बादी और दूसरा पलायन को बढ़ावा है। सीएम को भी ज्ञापन दिया जी, मैंने सीएम को भी ज्ञापन दिया था और मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ज्ञापन दिया था और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इस ज्ञापन पर कार्रवाई होगी और हाईकोर्ट कहीं शिफ्ट नहीं होगा।
वही नॉर्थ इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के डायरेक्टर प्रवीण शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये एक अच्छा डिसीजन है। हम नैनीताल हमेशा से पर्यटन के लिए जाना जाता था। हाई कोर्ट जब आया यहाँ पे, हम लोग तब भी इसको अपोज कर रहे थे, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से हमको नेगेटिविटी मिली पिछले 20 साल में। तो हाई कोर्ट अगर शिफ्ट होता है तो पर्यटन के व्यवसाय के लिए या पर्यटकों के लिए नैनीताल एक और सुंदर और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा। देखिए, नैनीताल जो है एक सीमित जगह है, इसमें एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है। हाई कोर्ट के आने से बहुत सारे रिसोर्सेज जो है उस पर कंस्ट्रेंट पड़ा है। अकोमोडेशन, सड़कें, पार्किंग, ये जो 20 साल में हाई कोर्ट के आने से हमको बहुत नेगेटिविटी मिली है। जब भी सीजन का समय आता है तो सारा प्रशासन शासन पर्यटक को ही प्रताड़ित करता है। हाई कोर्ट से कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, उसी डर से शासन डरा रहता है और हमेशा पर्यटक को ही प्रताड़ित करता है। उससे हमारा पर्यटन व्यवसाय बहुत अफेक्ट हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये हल्द्वानी शिफ्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए। आपको बता दें कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थिति और पहाड़ी दरकने की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की ये कवायद शासन प्रशासन ने तेज कर दी है। अब इसको लेकर प्रशासन और साथ ही साथ अब राजस्व की टीम हल्द्वानी में गोलापार व्यवस्थित तरीके से हाईकोर्ट निर्माण परिसर का स्थान भी तलाश रही है। वही 29 अक्टूबर को प्रदेश भर के अधिवक्ता इस विषय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और हाईकोर्ट को जल्द से जल्द हल्द्वानी शिफ्ट करने की कवायद तेजी में लाने की अपील करेंगे। हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण नैनीताल की भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि यहां पहाड़ दरकने और प्राकृतिक आपदा से लैंडस्लाइड होने की आशंका बनी रहती है। पूरे शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही फैली हुई है। इन अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, नैनीताल हाईकोर्ट में 5 की जगह अब 11 जजों की पीठ के लिए आवश्यकता के अनुसार भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ा कारण है। वहीं सर्दी और बरसात में आवाजाही की भारी दिक्कत भी यहां पर देखने को मिलती है। पर्यटन नगरी की वजह से आए दिन यहां पर कोट रोड पर लंबा जाम लगा रहा है। इसके साथ ही साथ राज्य और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले वकीलों और अपीलार्थियों से जुड़ी व्यवहारिक समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। जहां पहले 5,000 अधिवक्ता हाईकोर्ट पैरवी के लिए रजिस्टर्ड थे, तो अब 20,000 से अधिक अधिवक्ता रजिस्टर्ड हो गए हैं। और ऐसे में आने वाले समय में नैनीताल हाईकोर्ट में संचालन के लिहाज से पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इन्हीं सब कारणों से अब हाईकोर्ट को नैनीताल से 30 किलोमीटर नीचे हल्द्वानी में शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई है। ये थी हमारे सहयोगी नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।